ये सऊदी की वीडियो है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका पहनावा देखिए, वीडियो ब्लर की गई है। ये लड़की है सऊदी और इसने कैसा कपड़ा पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। और नेशनल डे है, छुट्टी का दिन आ रहा है कल, और मज़े से छुट्टी मनाना है। तो न्यूज़ जानते हैं, बहुत सारे न्यूज़ है। वायरल वीडियोज़ के बारे में बातचीत करूँगा, सैलरी से रिलेटेड बातचीत करूँगा, और छुट्टी को लेकर के बातचीत करूँगा, उमरा से रिलेटेड लेकर बातचीत करूँगा। बहुत सारी न्यूज़ है, तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना, और न्यूज़ पे बने रहिए हमारे चैनल पे। तो सऊदी नेशनल डे है कल, माशाल्लाह, 23 सितंबर। तो दो चार चीज़ें रेगुलेशन के हिसाब से, सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से अपडेट दी गई है, वो आप सबको ये पता होगा पहले भी और अभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई न्यूज़ आर्टिकल शेयर नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपको मालूम होना चाहिए। सऊदी में कल नेशनल डे है, सऊदी नेशनल डे। तो कल आपको 24 घंटे मतलब आज रात का 12 बजे जो क्रॉस होगा, जो कल का दिन, कल का जो स्टार्ट हो जाएगा 12:01:05, तब से लेकर के रात के 12 बजे तक पूरे 24 घंटे आपका इंटरनेट फ्री चलने वाला है। किसी भी कंपनी का आपके पास सिम है, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो फ्री चलेगा। बहुत सारे मॉल वगैरह, दुकान वाले, छोटे दुकान, बड़े दुकान वाले ऑफ़र निकाल रखे हैं। आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हो, सामान खरीदना चाहते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको कल के दिन में। बहुत सारा इकट्ठा सामान वामान खरीद लो, अगर आपको बेनिफिट लेने हैं, गोल्ड खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो कल बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कपड़े से लेके A to Z में डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जो फेक छूट बोलते हैं, फेक ऑफ़र बोलते हैं, पहले पता कर लेना ऑफ़र है भी या नहीं है। मालूम पड़ा आपने शॉपिंग किया और मालूम पड़ा इसमें ऑफ़र नहीं है। इसके साथ नेशनल डे के लिए ये कहा गया है, सिर्फ नेशनल डे से बात नहीं है, बात यह है कि सऊदी का झंडा अगर कहीं भी गिरा हुआ पाया जाता है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड हो गई, किसी के हाथ से छूट गया, अगर गिर जाता है बाई चांस, उसके नीचे टायर के नीचे आ जाए, कहीं भी रोड पे निकल जाए, तो शायद आपको फाइन लग जाएगा। अगर आपको अपना इंडिया का झंडा हो या किसी भी देश का झंडा रोड पे गिरा पाया तो उठा लेना, सिर्फ पाकिस्तान का छोड़ के। हालांकि पाकिस्तान हो या इंडिया पाकिस्तान हो, कहीं का भी हो, सब झंडा उठा लेना, लेकिन वीडियो ना बने पाकिस्तानी फ्लैग का, क्योंकि हमारे इंडियन भाई अरब में काम करते हैं, वो वीडियो के वायरल हो गए तो इंडिया में घमासान हो जाएगा। ऐसे भी कनाडा और इंडिया में भी घमासान चल रहा है, क्या कहना है आप लोगों का। और भी सऊदी अरब में भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन नए नए बन रहे हैं, बहुत सारी अपडेट्स नई नई आ रही है, कुछ चीज़ें भी हमारे अजनबी भाइयों के लिए बड़ी चीज़ें होने वाली है। देखो, शायद कफालत सिस्टम हट जाए, कफील सिस्टम हट जाए, इंशाल्लाह। दुआ करो, बने रहो चैनल पे, अपडेट्स आती रहेगी। तो बारा और हज पे आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो बहुत सारी पाबंदी लगी हुई है, होश हवास में सही से, टाइम से, टाइम के मुताबिक। अगर आपके पास उमरा परमिट है या उमरा परमिट नहीं है, अगर आपके पास टाइम दिया गया है, उस टाइम से आपको हज या उमरा करना चाहिए। सऊदी में हैं आप या सऊदी से बाहर हैं, कहीं भी हैं आप, तो नियम कानून का फॉलो करना चाहिए। केवल उमरा तीर्थयात्रियों को मस्जिद अल हरम की निचली मंजिल पर जाने की अनुमति है, जबकि ऊपरी मंजिल केवल तवाफ के लिए आरक्षित है। कहा जा रहा है कि अगर आप उमरा और हज पे आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उमरा करने वाले लोग जो भी आते हैं, वो हज अल हरम मतलब हरम के निचले फ्लोर में, जो निचला जो बेसमेंट बना, वहाँ जाने की ऑर्डर है, और ऊपर में तवाफ वालों के लिए ही ऑर्डर है, कहा जा रहा है। इसके साथ साथ कहा गया है कि अगर आप उमरा करने आ रहे हैं, हज करने आ रहे हैं, तो जो भी नियम कानून है, डेट है, टाइम है, मिनट है, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना है A to Z, और किसी भी फेक फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वायरल वीडियो है। ये देख लीजिए, देख रहे, गाना भी बज रहा है। ये सऊदी की वीडियो है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका पहनावा देखिए, वीडियो ब्लर की गई है। ये लड़की है सऊदी और इसने कैसा कपड़ा पहना हुआ है, और डांस देखिए इनका। एक भाई साहब है जिन्होंने शेयर किया है, वायरल वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन इन द स्ट्रीट ऑफ किंगडम। अब सऊदी के रोड, अब तक तो इंडिया, पूरी दुनिया के रोड पर लोग नाचते ही थे, अब सऊदी के रोड पर भी लोग नाचने लगे, और वो भी लड़की नाच रही है इस तरीके से। आपका क्या कहना है? ये देख लो, हरकत देखो इनकी, आपका क्या कहना है? ये नया सऊदी अरबिया है। जी हाँ, नया सऊदी अरबिया। विजन 2030 के तहत, जब से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 को ऐलान किया था, 2016 के या 15 को ऐलान किया था कि सऊदी लड़कियां आप गाड़ी चलाएंगी, ड्राइविंग करेंगी, तब से लेके अब तक इतने सारे छूट मिल गए कि अब इनको पूरी आज़ादी मिल गई है।
आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर मुझे शेयर करें, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा, सऊदी अरब में सिर्फ सऊदी लोगों का ही सैलरी बढ़ रहा है, ना कि अजनबियों का। सऊदी अरब में लगभग 44,000 सऊदी कर्मचारियों का वेतन 40,000 रियाल से ज्यादा है। कहना यह है कि सऊदी अरब में अगर 44,000 सऊदी आदमी सऊदी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में देखा जाए तो 40,000 लोगों का सैलरी जो है लगभग 44,000 सऊदी लोगों का सैलरी 40,000 रियाल से भी ज़्यादा है। देख लो, सऊदी में लगभग 45% से भी ज़्यादा सैलरी का बेस पहुंच चुका है, और 2018 में 6,600 सैलरी हुआ करती थी, तो 2023 में वो सैलरी 9,600 रियाल हो चुकी है, मतलब 3,000 रियाल ज़्यादा सैलरी इनकी हो गई है। तो अगली अपडेट है, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को कहा कि सऊदी अरब में भी सऊदी नेशनल डे आ रहा है, फर्जी छूट बिक्री से मूर्ख मत बनो। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऐलान किया गया है कि अगर कोई भी डिस्काउंट देता है तो उसको झांसे में मत आएं। अब मैं आपको ट्विटर पे कुछ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग कार वगैरह ठीक करते हैं तो रोड पे गाड़ी आप इस तरीके से पार्क कर लेते हैं, और देखो ये दो सऊदी खड़े हैं, इनकी गाड़ी को मैकेनिक ठीक कर रहे हैं, और देखते रहिए आप कैसे मैकेनिक जो काम कर रहे हैं, और करते करते ही पीछे से चोर आएगा और ये गाड़ी लेकर भाग जाएगा। तो आप लोग भी अपनी गाड़ी में अगर आप काम वाम करवाते हो तो दरवाज़ा लॉक करके रखो या गाड़ी के अंदर बैठ कर रहो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। देखो ये गाड़ी कैसे लेके भागेगा, अभी मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ वीडियो। ये देखिए ये कैसे एंट्री करता है, ये देखिए ये रहा, देखो ये आ रहा ये आदमी, ये देखो ये घुसेगा इस गाड़ी के अंदर, ये देखो ये घुसा, ये देखो घुस गया। अब ये स्टार्ट करेगा और इस गाड़ी को ले कर सीधा पार, ये देखो पार, ये देख लो। तो ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो, ध्यान रखना, क्योंकि चोर वगैरह इस तरीके से घूमते रहते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यूज़ पर बने रहिए हमारे चैनल पे, और भी अपडेट्स आती रहेंगी, और भी डेली न्यूज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।